रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम बैक एपिसोड नंबर टू मिलिट्री डायरीज़ आज जो है हम कवर करेंगे स्टोरी वो है आइसिस बी से गेट तक तो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि आपको पता होना चाहिए जो बंदा स्टोरी सुना रहा होता है उसके हालात किस तरह के गुजरे हैं तो उस ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन के बाद अब जो था कि हमने मैट्रिक जो कर लिया हुआ था और हमारी पहली प्रायोरिटी थी आईसीएसबी के में आर्मी के लिए जो है अप्लाई करना तो हम जो हैं वो सारे दोस्त मिलके हमने पहले वो रिक्रूटमेंट सेंटर के वो पास किया टेस्ट उसके बाद फिर बहरह आईसीएसबी की कॉल आ गई तो आईसीएसबी करने चले गए अब आईसीएसबी करने जी एटी सक, एटी एट की बात है तो so, 88 की बात है और 88 में कुहाट की ये टनल नहीं थी और ये पुरानी जो है ना वो बसें चलती थी माशाल्लाह और बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था आ, हमने जो है थोड़े से पैसे लिए पता नहीं चंद रुपए और आ, बस पकड़ी और आ, जी फर्स्ट टाइम सॉरी हुआ यूँ था कि जाते हुए मेरे चाचा जो थे उनके दोस्त थे पेप्सी कोला में थे दोनों ये लोग हैदरी प्रवरेज़ में तो उन्होंने क्या किया कि वो मेजर साहब जो थे वो पिशावर उसके उसमें डिपू में थे तो वो उनने कहा चलो कुहाट ये फर्स्ट टाइम जा रहा है तो मैट्रिक के बाद तो मैट्रिक के बाद बच्चे होते ही गए आजकल आप देख लें खुद ही तो उस वक्त इस उस तरह का ये कम्युनिकेशन रोडें का सिस्टम भी नहीं था बसों का उस तरह तो इसको ना हम छोड़ आते हैं आई एस बी एटी एट में तो फर्स्ट टाइम तो वो उन्होंने हमें गेट से बाहर एस एस बी आई एस बी तक वहाँ पहुँचा दिया वापसी पे बारह मैं बताता हूँ अच्छा फिर हम जब आई एस एस बी में चले गए और कॉन्फिडेंट थे अच्छा वहाँ गए सारी लिस्टें बनी वो कमरे एलोकेट हो गए कमरे बड़े ज़बरदस्त थे सारे खाल ट्विन शेयरिंग पे था या शायद चार लड़के कमरे में थे बड़े वाले अच्छा सबसे बड़े आई एस बी के जो यादगार चार दिन हैं वो आपकी ज़िंदगी के यादगार दिन होते हैं एक तो आपस में आपकी नई दोस्तियाँ जन्म रहती हैं और वैसे भी सर सै स्कूल के बहुत ज़्यादा आई सी बी देने आए हुए थे तो एक तो ये हमें था और पिंडी के वैसे काफ़ी लोग थे कोहाड़ जो आई सी बी में थे उस वक्त में खाल दो ही आईसी बी थी एक कोहाड़ थी और एक शायद मेरा ख्याल है गुजरा में थी या कराची की आई डोंट नो अब इतनी मेबरी नहीं है अच्छा बहरअल्कोहाट सबसे पुरानी और कोहाट में हम गए और अच्छा दूसरी जो चीज़ सारी ज़िंदगी याद रहेगी वो आपका आई का मेन्यू है अच्छा अब चूँकि हमारा बैकग्राउंड तो था हमारे फ़ादर क्योंकि सिविल सर्वेंट थे और चूंकि खानसामा का वही पेश करना रवायती उस वक्त जो है बड़ी जो है वज़ादारी होती थी पुराने लोगों में कि जी कोई अगर घर में आ गया तो वो आपने अगर शुरुआत कमीज के ऊपर गाउन ज़रूर पहनना है और सर पे टोपी होनी चाहिए वो अगर हैं नहीं तो गाउन पहन के बाटा की वो बंद स्लीपर जो है वो पहनी जाती थी और फिर आपने किसी के सामने आना है वो प्रॉपर वो ट्रेंड खानसामी होते थे जो आपकी ब्रेकफास्ट का वो जो है वो अंग्रेज़ों की तरह वो अंडा बॉयल्ड एग और वो सारे ब्रेकफास्ट का अपना जो वो सारा कटलरी और क्रॉकरी होती है और छुरी कांटा इस्तेमाल करना तो ये हमें बचपन से जो है वो ऑबियसली घर की ट्रेनिंग थी तो वहाँ पे भी जो मैस थे अब वो सुना हुआ सब ने ये था वो यार वेटर जो है ना ये भी सारों पे नज़र रखते हैं और वेटर्स भी एक एक बात बताते हैं कि मैस्ट में किसने क्या बिहेव किया है और लड़के तो लड़के ही होते हैं आपको पता है जहाँ इकट्ठे हो गए वहाँ पर थोड़ा सा फसाद तो मचता ही है लेकिन अच्छा बहरहाल सबसे अच्छे दो अंडे मिलना चार स्लाइस मिलना मक्खन जैम आ, सीरियल साथ मिलना ये ब्रेकफास्ट होता था, था नाश्ते में गोश्त और दो सालन फ्रूट रोटी रात को फिर अगेन स्वीडिश और साथ खाना तो ये तीन चार दिन जो है ना आपने पेट भर के हमने तो बड़ा ही डाइनिंग हॉल में मज़ा किया है वेटर सर्व कर रहे हैं सफ़ेद वर्दी वाले ठीक है और बटलर्स खड़े हुए हैं तो वो जो सिविल से जब आते हैं ना तो आपको बड़ा ज़बरदस्त टच मिलता है अच्छा अब जो एक्टिविटी होती थी आईसीबी की वो तो सुबह होती थी और लंच के बाद शायद कोई सेकेंड टाइम एक्टिविटी होती थी उसके बाद आप मैं कल मगरब से पहले पहले असर के वक्त सारे ही फ़ारग हो जाते थे उसके बाद फिर जो है ना वो आपकी किटें लगती थीं और सारे वो जो घर पूरे दिन की कार्रवाइयाँ थीं वो आप अपने जो है ना रूम मेट से और एक ही रूम में पूरा बैच इकट्ठा हो जाता था अपने अपने जो हम ख्याल लोग थे या जानने वाले थे उसमें बैठ के वो सारे नोट्स मिलाते थे अच्छा कल ये ये एक्टिविटी है ये है तो तुम किस तरह प्रिपेयर करना है अच्छा ग्रुप डिस्कशन में किसने पहल करनी है वो बड़े बड़े बट की वो वो डोगर की सारे उन्हें किताबें पढ़ के गए हुए थे छुट्टियों में मैट्रिक की तैयारी तो, तो सब ने की हुई थी अच्छा बहरहाल इन शॉर्ट जो पहली एस एस बी एटी एट में जो थी ना वो जे सी ट्वेंटी फाइव लॉन्ग कोर्स चल ट्वेंटी फाइव सॉरी जे सी ट्वेंटी फाइव चल रहा था जो मेरा एक्चुअल कोर्स है और एटी एट की बात है तो हम जब आई सी के लिए मैं गया तो जब मेरी इंटरव्यू की बारी ये सारा सब कुछ बहुत हो गया सारे फ़िज़िक्स के फार्मूले अप्लाई किए ग्रुप टास्क में फ़लाना ये वो जो भी मेरी समझ में आता था मैट बींग मैट्रिक के जो पास किया होता है अच्छा उसके बाद इंटरव्यू जब हुआ तो मैंने ना उधर उसने जब मुझसे पूछा अच्छा आपकी हॉबीज़ किए हैं तो फलाना उधर मैंने जो आपको पिछली एपिसोड में अपनी बैकग्राउंड बताया वो उसी वजह से था कि मेरी हॉबीज़ जो थी ना वो अभी भी मैं प्रेजेंट जिंदगी भी मेरी एक लंबी चौड़ी दास्तान है हॉबीज़ की तो वो मैंने ना इंटरव्यूअर के सामने ना एक के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी तीसरी के बाद चौथी जो स्टोरी थी ना वो सारी एज़ इट इज़ सुनाना शुरू कर दी भोले थे हम लोग भी शायद ज़्यादा ही कुछ अब वो उसने कहा कि यार ये जो बच्चा जिसकी उम्र है और मैट्रिक के अब बच्चे उस वक्त आप देख लेंगे क्या उम्र होगी उनकी अब वो आए हुए तो वो आगे जो बैठे हुए इंटरव्यूअर इंटरव्यू तो वो कहता होगा यार ये कोई छोड़ा लंबी लंबी और वो हकीकतन ऐसे था कि हमने बचपन में वो काम किए हुए थे अभी जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में किए उसके अलावा सीक्रेट सेवन के जो मैं वाक़त आपको नहीं सुनाए पिछले एपिसोड में उस पर हमने जब हमने आपस में एक बनाई हुई थी तो हमने देखा कि जी हमने दो टास्क हमने उस दौरान किए जो मैंने एज़ इट इज़ ही एस में सुना दिए एक तो वो स्मगलिंग होती थी उधर वो हमने फोन करके बताया कि यार हमें सस्पिशियस है एक ट्रक नज़र आता है बजरी का आता है उसके बाद एक और गाड़ी आती है वो बजरी खोली जाती है उसमें से चार बोरियाँ निकालते हैं टैक्सी में रखते हैं मोरस टैक्सी की और ले जाते हैं तो ये काम हमें कुछ अजीब लग रहा है तो ऑबसली वो जब बात आम होगी उस पर वो फिर पुलिस की वो जब ज़्यादा उस पर आना जाना शुरू हो गया वैसे ही मार्शल्ला को दौड़ था तो उसके बाद वो वहाँ से ख़त्म हो गया तो ये एक हकीकी स्टोरी थी जो हमने मैंने उनको सुनाई दूसरी फिर वो थे एक हमारे हम में कोई मिशनरीज आए किसी ऑलरेडी मुल्क को करके तो वो एक बंदा बार बार जो है ना हमारे मोहल्ले का चक्कर लगाता था तो हम फुटबॉल वगैरह खेल रहे होते थे, थे तो हमारे साथ सर्विस वाले काम भी चल रहे होते थे, थे हमने कहा जासूसी तो साइड पर नावल पढ़ पढ़ के हम भी जासूस बन गए हुए थे इंस्पेक्टर जमशेद अच्छा जी हमने को भाई आप क्या इधर कर रहे हैं ये तो जो है कैंट का एरिया और आप कौन है जो बार बार इधर से दस बार तो गुजरे हैं आप तो उसने जब बंदे ने पकड़ा गया तो अब एटीज़ में देखें बड़े सिंपल तोड़ था उन्होंने कहा यार ये बच्चे जो है ना कुछ हैं तो चलो हम अपना काम आसान करते हैं वो मुझे ले गया हमारी टीम को उधर गाड़ी खड़ी थी एफ जे फोटी सी थी उस वक्त ज़माने में जो जीप थी टोटा की लैंड क्रूज़र तो वो उधर ले गया तो उसमें वायरलेस सेट वगैरह लगा था उस, उसने कहा कि जी आपके हमसाये जो हैं नेक्स्ट डोर नेबर ये आ, आए हुए बाहर से किसी ख़ास मूल से होके तो हमें इनको थोड़ा सा आ, इन पर नज़र रखनी है हमें रिपोर्ट बनानी है तो हम अब करीब जा नहीं सकते क्योंकि एरिया ऑब्वियसली वो सारा पोश है और वो सारा जरनेली इलाका है जिधर हमारा घर था किराए का घर तो ओबली मेरा नहीं था तो वो जो है तो हमें मुश्किल दरकार है तो वो मुश्किल मुश्किल पेश आ रही है सॉरी मेरी उर्दू थोड़ी सी वीक है अच्छा तो इस तरह हुआ कि उन्होंने मुझे ना उस ज़माने का वो एस एल आर कैमरा टाइप जो है ना वो पता नहीं किस कंपनी का था मुझे याद नहीं है पेंटेक्स का था उस ज़माने में क्या अच्छा बड़ा वाला मतलब हमने तो छोटे होते हुए इतना बड़ा कैमरा देखा ही नहीं था महंगे वाला तो उसने कहा मुझे ना इनकी हर जगह की स्नैप चाहिए तो वो मैंने टास्क पूरा करके उसको कैमरा दे दिया और उनका काम हो गया तो जब वो मैंने आईस में ये री नरेट की ना तो वो थोड़ा सा हंसे भी पहले तो चुप करके सुनते कि अपना वो शो नहीं करते कि ये बच्चा क्या कह रहा है उन्होंने कहा यार बच्चा जो है ना लंबी लंबी छोड़ रहा है ये फिल्मी दास्तानें और नावल पढ़ पढ़ के ना इसने कहानियाँ बनाई हैं उन्होंने कहा यार इसके अंदर बचपना है हालांकि मैंने हर चीज़ जो है अपनी पूरी की हुई थी टास्क तो उन्होंने क्या किया मुझे डेफर कर दिया नाइन मंथ्स के लिए अच्छा डेफर जो होती है ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाता था हूँ ये डेफरमेंट होती है इससे दो चांसेस होते हैं उस वक्त हमारे वक्तों में दो ही चांसेस थे मिलिट्री में आने के लिए तो उससे चांस आपका ज़ाया नहीं होता उसमें होता है कि आपकी कोई ऐसी कमी रहेगी है शायद बचपना भी गया नहीं है तो आप थोड़ा मेच्योर हो जाएँ तो दोबारा आप आई एस बी के लिए आएँ अच्छा वो उससे डेफ़र कर दिया मैं तो नाइन मंथ्स के लिए मैं डेफ़र का लेटर आ गया चलो कोई नहीं हमने फ़र्स्ट ईयर में दाखिला ले लिया इन प्री इंजीनियरिंग में उसके बाद अब मैंने आपको सारा बैकग्राउंड बताया हुआ है मैट्रिक में जो मैं काम करता रहा अब फर्स्ट ईयर जब हमने किया तो अब अगला साल आ गया नाइन मंथ्स के बाद जारी बात है फिर फर्स्ट ईयर जब रिजल्ट आया तो मैंने टॉप किया अपनी प्री इंजीनियरिंग में मैंने टॉप किया तो मेरे दोस्त मैंने उस वक्त मेरा कोई आर्मी में जाने का इरादा नहीं था क्योंकि मैं उस वक्त साइंटिस्ट भी बनना चाहता था तो मेरे दोस्त ने मेरी वालदा को फ़ोन किया कि वो बेचारा दो बार आ, उसके चांसेस रह गए थे वो रिजेक्ट हो गया था लेकिन उसने मेरा क्योंकि बहुत फास्ट फ्रेंड था तो अभी वो इंग्लैंड में सेटल्ड है तो बहरहाल उसने उसके फादर आर्मी में थे तो उसने मेरी वालदा को जो है ना फोर्स किया कि जी बेटे को आप आर्मी में भेजें क्योंकि इसके तो दोनों चांस रहते हैं और ये ज़रूरी है और ऑबियसली आई वाज दी ओनली सन और फिर सिंगल मदर थी मेरी और हम लोग पेंशन पर पे गुजारा फादर की डेथ हो गई थी तो शौक़ भी था तो अम्मी ने कहा सब घर वालों ने कहा मामू ने सब ने कि यार आप अप्लाई करो तो मैं जब प्रिंसिपल के पास वो ज़माने में कागज वो एप्लीकेशन करेक्टर सर्टिफिकेट या जो भी उससे साइन करनी होती थी तो प्रिंसिपल के बाद मैं साइन करने लेके गया साइन करने से इनकार कर दिया उसने कहा आपने टॉप किए मैं तो कभी भी नहीं साइन करूँगा उसने मेरी मदर को और सिस्टर को बुलाया कि आप आएँ उनको लेके तो यकीन करें कि वो मैं डबल माइंडेड हो गया तो वो प्रिंसिपल ने उनको बड़ा आधा घंटा समझाया कि जी आपका बेटा लायक है और इसको प्री इंजीनियरिंग करने दें और ये इंजीनियरिंग आगे पढ़े लिखे और कुछ बने तो उस वक्त जो है ना फोन में कहते थे कि लाइक बंदों ने जाना है तो इस ये पढ़ाई में जो लाइक है वो क्यों ऑप्ट कर रहा है हालांकि हमारा तो फो से इश्क था क्योंकि ऑब्वियसली बचपन से सारा देखा हुआ भी था साइंस भी इश्क था ये भी इश्क था अब दो मोहब्बतों में लड़ाई थी तो बहरहाल वालदा ने प्रिंसिपल को कहा कि नहीं इस तरह हमारे हैं और ये है तो हम चाहते हैं कि हमारा बेटा फ़ौज में चला जाए तो बहरहाल एट दी एंड ऑफ द डे प्रिंसिपल साहब ने साइन कर दिए और फिर मैंने फ़ौज में अप्लाई किया इस बार मैं गया थोड़ा सा नॉर्मल हार्ट के साथ मतलब कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी जिस तरह पिछले साल मैंने अपने सर पे सवार किया हुआ था अब जब सेकंड टाइम हम आई में गए अच्छा उसमें एज ये हुआ कि उस वक्त फर्स्ट टाइम मुझे जो याद पड़ता हमारी दफ़ा क्योंकि मैट्रिक करने के साथ ही हम लोग अप्लाई कर दिया करते थे रिक्रूटमेंट सेंटर में ना तो उस वक्त इन्होंने ये शेक लगाई फाज पाकिस्तान ने कि जी जो क्योंकि जिनकी एसिस भी हो चुकी होती थी, थी बजट खर्च हो जाता था पता चलता था कि आधे लोग जो हैं उसमें पास नहीं हो सके मैट्रिक क्योंकि आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रिंसिपल साहब देते दे थे तो वो फिर उनको जो है ना रिज़र्वस को कॉल करना पड़ता था तो उस पर उनकी एक, एक एक्स्ट्रा जो है वो बजट ज़ाया होता था और टाइम भी वेस्ट होता था तो हमारी दफ़ा से उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि जिन्होंने ऑलरेडी जिनके पास मैट्रिक की सर्टिफिकेट है जो पास कर चुके हैं सिर्फ वही अप्लाई करेंगे जूनियर कैडट्स एकेडमी के लिए मैट्रिक के बाद वाले के लिए तो उसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले क्वालिफ़ाई करते थे जो मैट्रिक जिन्होंने रिसेंटली किया था एटी नाइन की बात है तो वो तो अप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं था अच्छा बहरहाल हम लोग चले गए नॉर्मल हार्ट के साथ कि बस होगा देखी जाएगी उस वक्त मैं फिर कह रहा हूँ वो बस जो है ना वो अच्छा उस वक्त ना कुहार्ट जाने का अगेन को हार्ट बैक टू पविलियन अब गए तो अब ना मैं बड़ा रिजर्व रहा और मैंने बड़ा टू द पॉइंट ही प्रोफेशनलिज्म दिखाया जो अब फर्स्ट ईयर ऑब्वियसली कर ली हुई थी तो थोड़ी मचोरिटी तो वैसी आ गई थी मैंने कहा ये जो मैंने बोंगियाँ मारी है ना ये बताने वाली है ही नहीं ना कोई मानेगा और ना इसको रिपीट करनी चाहिए ऐसी ऐसी जगह पर अच्छा फिर मैं जब गया तो मैं बड़ा सीरियस इस्लामिक टच और न्यूट्रल फैसले वही जो सारा उनके टेस्ट होता है वो सारा मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आ, उसी तरह रात को शुगल, ड्रामे गाने आपस में डांस और वो सारे वही हमारे साथ जो रह गए हुए थे वो पार्टी सारी जो है अगेन हमारे साथ थे और नए दोस्त भी लगे कुछ पुराने दोस्त साथ थे और कुछ नए दोस्त बन गए और उस आई में मुझे याद है कि पिछली वाली में भी पांच छह लोग आ, मेरे क्लास फेलो सेलेक्ट हो गए थे जो जे सी में हुए और अल्लाह का करना हुआ कि जे सी में फिर हमारे बैच में जो उस वक्त आई भी गया था तो मैक्सिमम लोग मैं उस उसमें सेलेक्ट हुए थे और हमने फिर सारों ने रिपोर्ट की आ, जो है जे सी के कोर्स में और जे सी जो था वो लास्ट कोर्स था उसके बाद फौज ने कहा कि यार ये पता नहीं बजट कंस्टेंट्स हैं ये क्या हैं और वैसे भी जो जे सीज़ हैं ना ये फिर ओवर स्मार्ट हो जाते हैं अपने प्रोफेशन में तो अब आई डोंट नो उस वक्त क्या रीज़न थी लेकिन ऑब्वियसली जब जे सी में जाता है तो वो उस हद तक ओवर स्मार्ट हो चुके होते हैं कि उनको हैंडल करना मुश्किल होता है लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जे जो है ऑन ग्राउंड डिलीवर बड़ा ज़बरदस्त करते हैं सॉरी टू से वो फिर मैं आगे आपको आगे बताऊँगा कि फिर ये किस तरह इसी तरह फिर मुख्तु कैटेगरी सारी ज़िंदगी आपके साथ चलती है एम सी जे वालों का ग्रुप क्या होता है फिर अब्दालियंस का कौन सा ग्रुप है गैलियंस का क्या ग्रुप है ठीक है तो ये सारे ग्रुप जो है ना आपके साथ चलते हैं क्योंकि जो जिधर से तालीम याफ्तर होता है वो फिर आपस में आपके एजुकेशनल ग्रुप्स और वो ऑबली दोस्तियाँ रहती हैं साथ प्रोफेशन के साथ साथ तो वो जो आई है फिर आपने बड़े तहमल मिजाजी से सबसे पहले तो स्क्रीनिंग आपका बेसिक आईक्यू जो है वो टेस्ट होता है जो स्क्रीनिंग में फ़ेल हो जाता है वो और हमारे पिछली दफ़ा भी जब पहली दफ़ा आई एस गए तब भी स्क्रीनिंग में लोग निकल गए और जो एक आई से कम उनका होता है बेसिक वो नहीं पास कर सकते तो स्क्रीन आउट हो जाते हैं और दूसरी दफ़ा जब हम गए तो तब भी काफ़ी लोग स्क्रीन आउट हुए तो उसके बाद फिर वो चार दिन वही खाना पीना याशियाँ ड्रामे आपस में दोस्तियाँ यारियाँ और वो जो है हम चार दिन याशी करके वो जो गोल गोल घूम घूम के जो चट्टान जाती थी ना और कुहाट उस पहाड़ियों के उधर था यकीन करें कि उतरते साथ भी ना दो दिन तो आपके सर घूमता रहता था और उसके बाद फिर गर्मियाँ थे जारी बात है अगर आपने हमने अगर सेप्टेम्बर वाले बैच को ज्वाइन किया है तो ऐसे भी हमने कहीं जून जुलाई में दी होगी सख्त गर्मियाँ थी तो ऐसे भी करके निकले तो वो उस आर टी ए डी भी आपको ट्रैवलिंग के कॉस्ट भी देते हैं अच्छा जो आप भी लिफाफा भी आपसे लिखवाते थे वो बड़े मज़ेदार काम थे बड़ा अजीब लगता था अपना नाम और घर का पता लिख रहे होते थे खाकी लिफाफा जनाब साहब टिकटें लगा के जिसमें आपको कॉल लेटर आता था और वो भी देना फिर उन्होंने जाते हुए पैसे दिए कि पता नहीं कितने पचास रुपये बने पिंडी से जो भी कराया बनता है वो बस का टिकट लिया वहाँ पे बड़ी गर्मी लगी तो हमने अड्डे से वो आलूबारे का जूस पिया और बस में बैठे बस सीधा जनासभा में पिंडी ले आई पिंडी से फिर हम अपने घर चले गए और बताया कि हाँ बस ठीक होगी अब देखें क्या रिजल्ट आता है तो अल्लाह का करना ये हुआ कि बस किस्मत थी अब देखिए हज़ारों हज़ारों लोगों में से बीस तीस चालीस हज़ार डोंट नो इससे भी ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं और उसमें से तकरीबन ढाई सौ बंदा उन्होंने सेलेक्ट करना था कंपिटिटिव एग्ज़ाम में तो ये अल्लाह का होता है जिधर जिसका रिस्क लिखा होता है कोई हर एक में हमसे बेहतर लोग भी बाहर होते हैं और ना हमारी कोई सिफारिश थी ना कुछ थी तो बस ये हर एक की उसमें इतने आस्पेक्ट्स के नंबर हैं कि आई में हर चीज़ के कि वो फिर आ, उसकी फाइनल फिर लिस्ट बनती है जी एच क्यू में जाके वहाँ पे आपकी पैनल बनता है फिर वो मेरिट लिस्ट लगती है फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में से जो टॉप के होते हैं लोग उनको वो कॉल लेटर भेज देते हैं फिर जो लोग रिपोर्टिंग नहीं करते फिर वो ऑब्वियसली रिजर्व में से कॉल करते हैं तो इस तरह जो है हमने सेकेंड आई जो है वो क्लियर की और अब हम जो हैं वो जब कॉल लेटर आया तो उसमें हम सिलेक्टेड थे और उन्होंने कहा जी फ़लानी डेट को जो है ना आज भी मुझे याद है तीन दिन रिपोर्टिंग थी सत्ताईस सितंबर अट्ठाईस सितंबर और उनतीस सितंबर तो उनतीस सितंबर 1989 में, में मेरा कुरा निकला कि जी आपने उनतीस सितंबर को उस वक्त जैसे जूनियर कैडेट एकेडमी जो ऑलरेडी जो है वो अब्टबाद से शिफ्ट होगी हुई थी टूवर्ड ये मंगला जो आपका जहाँ पे ऑफिस ट्रेनिंग स्कूल था ओ तो बंगला जो है वो गर्म तरीन इलाका है डैम के साथ एकेडमी बनी हुई थी वहाँ पे जूनियर कैडेट एकेडमी जे से जे करके उन्होंने वो शिफ्ट कर दिया और उसी की प्रेमिस को उन्होंने यूज़ किया और वहाँ पे जे की जगह उन्होंने थर्ड पाकिस्तान बटालियन पी की वो रेस की तो बहरहाल हम इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे बहरहाल सेलेक्ट हो गए बड़े बल्ले बल्ले ख़ानदान में जी आई एस सेलेक्ट हो गए अब अब था अगला मरला के ट्रंक तैयार करो अब वो ट्रंक में जी अब तो वो बाटा की पता नहीं आप में से लोग नेट पे देख सकते हैं बाटा की ब्राउन कलर की एक वो बंद स्लीपर्स होते थे स्लीपर्स स्लीपिंग सूट दो स्लीपिंग गाउन ऊपर वो जो ख़ास तौर पे पता नहीं केड़ी टोपी थी वो स्लीपिंग गाउन के साथ फिर वो स्लीपिंग सूट और पी केट्स और उसके बाद मुफ्ती ड्रेस कहते थे ग्रे पैंट्स को और वाइट शर्ट्स को और मतलब वो पूरा ट्रंक जहेज का जो सामान है ना एक कैडेट का वो पिंडी में मखल चिराग दीन बड़े पुराने होते थे उस वक्त उनके वाले साहब औरिजनल हयात थे तो सारे कैडेट्स जो है ना वो जब भी जाएँ तो उधर लाइनें लगी होती थी सारे वो बेचारे पेरेंट्स के साथ बच्चे आए होते थे और वो इकट्ठा करते थे तो हम आए तो वो था कि ऑबियसली सिंगल मदर थी तो हम सारे फिर खुद ही अपने काम करते थे साथ चला गया कोई बड़ा या दोस्त यार पकड़ लिया तो वो जाके अपना ट्रंक कंप्लीट की लिस्ट आती थी वो प्रॉस्पेक्टस आ गया था तो उस प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक पूरी लिस्ट थी ना उसको टिक करके वो ट्रंक बना के चिराग चरादीन को पेमेंट करते थे वो सस्ता ज़माना था थोड़े से वो ट्रंक भी उधर से दे देते उस पर फिर वो नाम स्टेंसिल से लिखवाया नाम लेके तो जनाब साहब वो ट्रंक पैक हो गया फिर रोज़ाना उस ट्रंक को हम देखा करते थे कि हमने उनतीस सितम्बर नाइनटीन एटी नाइन को रिपोर्ट करना है फिर इसी तरह जब जाने का वक्त आया तो ऑबियसली चचा ने कहा कि यार इसको जो है ना मंगला तक गेट तक छोड़ाएँ तो फिर उन्हीं मेजर साहब की गाड़ी में खिदमत हासिल की गई कि यार अलविदाई है तो पता नहीं अब लड़का जा रहा है कहीं ये ना हो हालाँकि अंदर से तो मैं कॉन्फिडेंट था कुछ ऐसा था ही नहीं हालांकि हॉस्टल का एक्सपीरियंस नहीं तो हॉस्टल या एम से जो लोग आ रहे थे थे वो ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा वो आठवीं में उन्होंने घर छोड़ दिया होता था तो बहरहाल फिर हम मंगला ख़ूबसूरत अकेडमी थी उसके गेट के बाहर ही उन्होंने ड्यूटियाँ लगाई होती थी वहीं पे वो कहते थे बस जेंटलमैन आप जो है ना वो छोड़ दें साहब को इधर ही तो आगे हमारे जिम्मे है उधर से खुदाफिज़ किया तो बड़े ही वह वेटर आके आपका ट्रंक उठाते थे जब पेरेंट्स वहाँ से लोगों के घर वाले चले जाते थे तो गेट से स्टेप इन होते साथ ही वो मंज़र जो है ना एकदम फिल्म से जो है ना रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता था ट्रंक आपके सर पे होता था और आप जो दौड़े चल हो रहे होते थे और हर जगह से गोलियां वो गालियों की बुछाड़ हो रही होती थी तो इस तरह जी ये आई जो है वो यादगार है आपके वो फिर आई के वो फिर उधर जाके जब हमने देखा कि वह यार तू तो हमारे आई एस इकट्ठे की थी हम सारे सेलेक्ट हो गए तो वो फिर आपकी नए कुछ आपके कंपनी मेट्स बन जाते हैं पोल्टून मेट्स बन जाते हैं तो वो फिर आपकी वो याद वाली जो आई है अब जो एक साल सीनियर जो कोर्स था वो उसमें भी चंद मेरे क्लास फेलोज़ थे ठीक है वो नज़र ही ना मिलाए उधर जाके तो अगले एपिसोड में फिर अब हम आपको एकेडमी की कहानी सुनाएंगे कि जब एकेडमी पहुंचे तो पहला दिन से ले कर फिर आगे हमारी फ़र्स्ट टर्म किस तरह गुजरी और किस क्या क्या हमने मुश्किल और दुशारियाँ देखी और क्या क्या, क्या शतानियाँ की हैं तो नाजरीन एपिसोड लंबा हो गया तो इस तरह हमने दो दफ़ा मैं आई से गुज़रा हूँ और फिर इस तरह अकेडमी के गेट के बाहर और गेट के अंदर वाली दुनिया बिल्कुल ऐसी है कि स्क्रीन फिल्म शुरू हुई फिल्म एंड हुई एंड के बाद जैसे ही जब हॉल से रश बाहर निकलता है ना तो दुनिया पलट जाती है तो गेट से कदम अंदर रखते हुए हमारी ज़िंदगी की दुनिया पलट गई तो लेकिन बावजूद इसके वी लव जो है ना दिस टाइप ऑफ लाइफ और जो वो मज़ा है वो आज भी बुढ़ापे में और इवन मरते दम तक आज भी जब दो जेसीज़ मिलते हैं तो वो अपनी वही बातें याद करते हैं यही हमारा जो है ना इस वक्त सरमाया है बुढ़ापे का सरमाया आपके दोस्तों में वही बातचीत और वही गपशप है जो गुजरे हैं अब उन वाकयात को मैं अगले नेक्स्ट जितने भी एपिसोड्स हैं उनमें मैं कवर करूंगा अब तेईस मिनट हो गए बहुत वीडियो लंबी होगी है तो इन इजाज़त चाहते हैं अगला मैं इनशाला आपसे फिर अंदर के हालात वाक़त जो है वो शेयर करूँगा स्टे ट्यून्ड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको टाइमली एपिसोड्स का वो अपडेट मिल सके थैंक यू वेरी मच अल्लाह आपको खुश रखे टेक केयर खुदा हाफिज़